तो बच्चों जो, जो कहानी चल रही है उसका नाम क्या है द हैप्पी प्रिंस और कहानी में क्या हुआ है इस हैप्पी प्रिंस ने उस सवालों को बोला कि क्या तुम मेरी तलवार में लगा हुआ मूठ उस गरीब महिला को दे आओगे जिसका बेटा क्या कर रहा है ऑरेंज की मांग कर रहा है पर उस महिला के पास पैसे नहीं है उसको कुछ खिलाने के लिए तो चलो देखते हैं कि सॉलो आगे क्या करेगा आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेट द सवालो तो सवालों ने बोला कि इजिप्ट में मेरा वेट हो रहा है इंतज़ार हो रहा है माई फ्रेंड्स आ फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल मेरे जो मित्र हैं वो नाइल नाइल क्या है एक नदी तो नाइल नदी में आगे पीछे ऊपर नीचे उड़ रहे हैं एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लास और वो बात कर रहे हैं लार्ज विशाल लोटस कमल के फूल से विल गो टू स्लीप बहुत जल्द अभी वो सोने भी चले जाएंगे द प्रिंस आज द स वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर तो उस प्रिंस ने क्या बोला उस वॉलो को कि वो स्टे करे रुक जाए एक रात के लिए और उसका मैसेंजर दूत बन जाए द बॉय इज़ सो थर्स्टी वो जो लड़का है वो इतना ज़्यादा थर्स्टी है प्यासा है एंड द मदर सो सैड और वो जो माता है वो इतनी ज़्यादा सैड है दुखी हैं ही सैड और ये किसने बोला बच्चों उस हैप्पी प्रिंस ने आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द सॉलो अब सॉलो क्या है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है बहुत ज़्यादा मतलब ये तो उसने क्या सोचा कि भाई मुझे नहीं लगता कि मेरे को लड़के ऐसे पसंद हैं आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट मुझे तो इजिप्ट जाना है सॉलो क्या चाहता है असल में मदद नहीं करना चाहता वो तो केवल अपने बारे में सोच रहा है तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग्स पढ़े हमने जाना कि वेटेड यानी कि प्रतीक्षा की या फिर प्रतीक्षा करना टॉकिंग यानी बात कर रहे हैं विशाल यानी इलाज यानी कि विशाल लोटस यानी कि कमल फ्लाज होते हैं पुष्प मैसेंजर यानी कि दूध थर्स्टी यानी कि प्यासा और सैड मतलब दुखी तो क्या हुआ है सोलो क्या बोल रहा है कि भाई वो दुखी है कोई बात नहीं पर मेरे को तो जाना है इजिप्ट बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल सोलो वॉज सॉरी वो जो हैप्पी प्रिंस था इतना ज़्यादा दुखी लग रहा था कि लिटिल सोलो वो जो छोटा सा सॉलो था वो भी सॉरी यानी शोकाकुल हो गया इट इज़ वेरी कोल्ड ही सेड बट ही अग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर तो क्या बोला सवालो ने कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है पर वो अग्री हो गया सहमत हो गया रुकने के लिए एक रात और दूध बनने के लिए उसका किसका बच्चों हैप्पी प्रिंस का थैंक यू लिटिल सॉलो सेट द प्रिंस उस प्रिंस ने क्या बोला शुक्रिया द सोलो पिकड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉड सॉलो ने पिकड आउट कर लिया मतलब बाहर निकाल लिया वो माड़िक उस प्रिंस की स्वॉड से प्रिंस की तलवार से एंड फ्लू अवे विद इट इन इट्स पीक और वो उड़ गया उसे अपनी बीक में लेकर यानि चोच में लेकर ऑल ओवर द रूफ ऑफ द टाउन उस नगर की सारी छतों के ऊपर से वो उड़ने लगा और उड़ते हुए क्या कर रहा था उसके माणिक उसके चोच में वो माणिक भरा हुआ था तो यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने हमने जाना कि सॉरी यानी कि शोकाकुल, अग्रीड यानी कि सहमत मैसेंजर यानी कि दूध पिकड आउट यानी कि बाहर निकालना बीक यानी कि चोच और रूफ्स होती हैं छतें ही पास्ट बाय द कैथेड्रल टावर और वो क्या किया उसने पास हुआ वो पास हुआ यानी कि किसी के पास से निकला और किसके पास से निकला कैथेड्रल टावर कैथेड्रल क्या होता है गिरजाघर गिरजाघर के टावर के यानी कि मीनार के पास से गया वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स जहाँ पर मार्बल यानी संग मर्मर के एंजल्स देवदूत वर स्कल्पचर्ड स्कल्प्टर यानी कि तराशे गए थे कहाँ पर तराशे गए थे बच्चों याद रखेंगे हम वो जो देवदूत थे वो तराशे गए थे उस कैथेड्रल, गिरजाघर की मीनार पर ही पास्ट बाय द पैलेस वो महल के पास से होते हुए गुजरा एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग और उसने सुनी साउंड आवाज डांसिंग की अवटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी एक ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत लड़की बालकनी से यानी कि बालकनी से बाहर आई विद हर लवर अपने प्रेमी के साथ आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल शी सेट उस लड़की ने क्या बोला उस खूबसूरत सी लड़की ने उसने ये बोला मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जो ड्रेस है वो रेडी होगी तैयार होगी स्टेट बॉल जब तक होगा उस समय तक आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है क्या ऑर्डर किया हुआ है बच्चों मैंने ये कार्य दिया हुआ है कि उसके ऊपर फूलों की एम्ब्रॉयड हो यानी फूलों की कढ़ाई हो बट दीम स्ट्रेस आर सो लेकिन ये जो सीम स्ट्रेस हैं यानी दर्जिने हैं ये कितनी लेजी होती हैं आलसी होती हैं ही पास ओवर द रिवर और वो सॉलो होते हुए गुजरा रिवर से नदी से एंड ही सॉ द लैंटन्स लेंटन्स होती है लालटेन और उसने क्या देखी लालटेन लालटेने देखी हैंगिंग जो कि लटकी हुई थी ऑन द मास्ट मस्तूल पर ऑफ द शिप शिप्स यानी कि जहाजों के मस्तूल पर क्या लगी हुई थी लालटेने लगी हुई थी तो हमने यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों हमने जाना कि पास्ट बाय का मतलब होता है पास से निकलना कैथेड्रल होता है गिरजाघर टावर <coughs> यानी कि मीनार मार्बल यानी कि संगमरमर एंजल्स होते हैं देवदूत स्कल्प्टर यानी कि तराशे पास्ट बाय मतलब पास से निकलना साउंड यानि कि आवाज ब्यूटिफुल यानि खूबसूरत बालकनी क्या होती है बालकनी बालकनी को हिंदी में क्या बोलते हैं बालकनी यानी कि प्रेमी रेडी यानी कि तैयार ऑर्डर यानी कि कार्य देना एम्ब्रॉयड यानी कि काशीदाकारी या फिर कढ़ाई करना सिमस्ट्रेस यानी दर्जन लेजी मतलब आलसी लेंटन यानी लालटेन हैंगिंग यानी लटकना और मास्ट क्या होते हैं मस्तूल <coughs> तो क्या देखा उसने सवालों ने भाई उसने बहुत सारी चीजें देखी उसने देखा कि गिरजाघर की मीनार पर संगमरमर के एंजल्स देवदूत तराशे गए हैं फिर वो महल के पास से गुज़रा महल के पास से गुजरते हुए उसको आवाज़ आ रही थी नृत्य करने की और फिर उसने क्या देखा कि खूबसूरत सी लड़की बालकनी में आई अपने प्रेमी के साथ और वो लड़की बता रही थी कि मैंने स्टेट बॉल के लिए एक लहंगा बनने दिया है जिसके ऊपर कार्य दिया है फूलों की काशिदाकारी का लेकिन ये जो दर्जिने हैं ये बहुत ज़्यादा आलसी हैं और सवाल उड़ते उड़ते और आगे गया उसने क्या देखा भाई एक नदी है नदी पे जहाज रखे हुए हैं उन जहाज़ों के मस्तूल पर टंगी हुई है लालटेन और क्या क्या देखा उसने एट द लास्ट ही केम टू पुअर वुमेंस हाउस आखिर कर वो आया उस गरीब महिला के घर पर एंड लुकड इन और उसने अंदर देखा द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली वो जो लड़का था वो टॉस कर रहा था मतलब करवट बदल रहा था फीवरिशली क्योंकि वो ज्वारगस था ऑन हिज बेड अपने बिस्तर पर एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप और वो जो माता थी वो अस्लीप हो गई थी सो गई थी शी was सो so टायर्ड और क्यों सो गई थी बच्चों क्योंकि वो जो माता थी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी इन ही hopped उसने क्या किया सवालों ने वो अंदर कूद कर गया एंड लेड और उसने रखा द ग्रेट रूबी उस माणिक को ऑन द टेबल टेबल पर बिसाइड वुमेन्सल थिम्बल क्या होता है नोक तो उस महिला की नोक के बिल्कुल पास में बिसाइड यानी कि पास में उसने रख दिया वो माणिक देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड उसके बाद वो कोमलता से उस बेड के पास में गया फैनिंग द बॉयज फोर हेड हवा करते हुए या पंखा जलाते हुए उस लड़के के फोरहेड पर माथे पर विद हिज विंग्स अपने पंखों से हाउ कूल आई फील सेट द बॉय अब वो बच्चा तो क्या था अजवार ग्रस्त था अब उसको तो नींद आ रही थी तो नींदों में उसने बोला क्या बोला हाउ कूल आई फील मुझे कितना ठंडक का एहसास हो रहा है आई मस्ट बी गेटिंग बेटर शायद मैं ठीक हो रहा हूँ एंड ही सेंक इन टू डिलिशियस लंबर और वो सैंक कर गया मतलब डूब गया डिलिशियस डिलिशियस लंबर मतलब सुखद नींद में तो क्या हुआ बच्चों ये सवालों ने देखा उस महिला को महिला तो सो चुकी थी और वो जो बच्चा था वो करवट बदल रहा था बार बार क्यों क्योंकि वो ज्वाग्रस्त था फिर क्या किया वो सवालों अंदर गया और उसने वो माड़िक महिला की थिंबर के पास में मतलब नोक के पास में रख दिया और फिर लड़के के पास जाकर उसको पंखा जला लाने लगा अपने पंखों से ही और लड़के को क्या लगा लड़के को लगा कि शायद वो बेहतर हो रहा है और वो सुखद नींद में डूब गया तो यहाँ पे हमने कौन-कौन से मीनिंग पढ़े हमने जाना कि Ships का मतलब होता है जहाजों या फिर जहाज Tossing tossing मतलब करवट बदलते रहना feverishly मतलब ज्वारग्रस्त slipped asleep मतलब सोना tired यानी कि थका हुआ हॉप यानी कूदना लेड यानी कि रखना बिसाइड मतलब पास में थिम्बल यानी कि नोक जेंटली यानी कि कोमलता से फैनिंग यानी कि पंखा झलना फोरहेड मतलब माथा सैंक यानी डूबना डिलिशियस यानी कि सुखद और स्लम्बर होती है नींद तो बच्चों इस सवालों ने जो थोड़ा सा मतलब ही था इसने एक अच्छा कार्य किया भले ही इसकी इच्छा नहीं थी ये तो क्या चाहता था कि इजिप्ट चला जाए पर फिर भी वो एक रात रुक गया क्योंकि उसको दुख हो रहा था उस हैप्पी प्रिंस के लिए अब आगे क्या होगा सवालों आगे क्या क्या करेगा जानेंगे हम अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में